फतेहपुर जनपद में लूट के मुकदमे का पुलिस ने खुलासे के दौरान माल बरामदगी सहित एक मोटरसाइकिल, दो देसी तमंचे व दो कारतूस, 35,510 रुपए व तलाशी के दौरान चार एंड्रॉइड मोबाइल फोन, चोरी गए आभूषणों के साथ पुलिस व एसओजी टीम ने 6 चोरियों में संलिप्त चोरों को मुखबिर की खास सूचना पर 5 लोगों को लोधीगंज सदर फतेहपुर शहर से मोहम्मद इशरार पुत्र मोहम्मद इशाक उम्र लगभग 25 वर्ष व संदीप रैदास पुत्र बजरंगी रैदास 19 वर्ष निवासीगढ़ मोहल्ला रेडैया आबू नगर थाना कोतवाली फतेहपुर, मोहम्मद फैसल पुत्र चांद उम्र 19 वर्ष निवासी हाजी चौराहा थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात जिसका हाल पता बेलरईत थाना कोतवाली फतेहपुर, शिव कुमार मौर्य पुत्र दिनेश मौर्य निवासी कटरा अब्दुल गनी 32 वर्ष थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर व राम मूरत मौर्य पुत्र दिनेश कुमार मौर्य 42 वर्ष निवासी कटरा रकसवारा थाना करारी जनपद कौशाम्बी हाल पता माता शाहू की बिल्डिंग थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर आदि से एसओजी तथा पुलिस की संयुक्त टीम ने चोरों को गिरफ्तार करते हुए चोरी करने के दौरान उपयोग में लाए जाने वाले उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज मंडल व पुलिस अधीक्षक फतेहपुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गिरफ्तार हुए अभियुक्त संगीन अपराधी हैं जिन्होंने शहर में 6 से 8 चोरी की वारदातों को किए जाने के बारे में कबूल किया है जिनके विरुद्ध पूर्व में भी अपराधी दर्ज हैं। जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु पुलिस तथा एसओजी टीम ने घटनाक्रम का सफल अनावरण किया है। अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जा रहा है। गिरफ्तार करने वाली संयुक्त टीम को 25,000 का पुरस्कार पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा प्रदान किए जाने की घोषणा की। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।